मीरा रोड के काशी मीरा परिसर में कभी दहशत का दूसरा नाम था अशरफ उर्फ तात्या पटेल। ठाणे ग्राम की लोकल क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंधेरी एरिया से उसे अरेस्ट किया है। तात्या पटेल मकोका के एक मामले में पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। इसी मामले में उसका बेटा अभी भी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास करने के मामले में तात्या और उसका बेटा बीते 8 महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर अंधेरी यारी रोड से कुख्यात गुंडे अशरफ गुलाम रसूल पटेल उर्फ तात्या पटेल को अरेस्ट किया गया है। तात्या पटेल पर एपीसी सेक्शन 307 और मकोका के तहत 2017 में मामला दर्ज किया गया था। तब से वह फरार था। तात्या पटेल पर हत्या, हत्या के प्रयास, जमीन हड़पना, अवैध रूप से हथियार रखना, वसूली, दंगा भड़काना, जबरन कब्जा जैसे 47 संगीन आपराधिक मामले काशीमीरा और दूसरे पुलिस थानों में दर्ज हैं। एक काशीमीरा पुलिस स्टेशन का सीआर नंबर 200/264/2017 था, जिसमें 307, 300, 420, 34 ऐसे सेक्शन एडेड थे। उसमें मौका भी एडेड सेक्शन लगाया था। उसमें एक आरोपी फरार था जिसका नाम है अशरफ उर्फ तात्या गुलाम रसूल पटेल। उनको हमने कल अरेस्ट किया है। तात्या पटेल के पूरे परिवार को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण काशीमीरा परिसर में इन्हें पटेल कंपनी के नाम से जाना जाता है। 7 भाई और 1 बहन वाले इस परिवार के 2 भाइयों की मौत गैंगवार में हुई थी। वर्ष 2015 में भी तात्या पटेल पर मकोका लगाया गया था। इससे पूर्व भी तात्या पटेल ने 2011 में काशी गांव स्थित अपने घी घर में अपने बॉडीगार्ड आरिफ सुल्तान शेख की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 5 सालों तक फरार रहा था। गैंगस्टर तात्या पटेल कितना कुख्यात है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1996 में आई सनी देओल की सुपरहिट फिल्म घातक में तात्या के किरदार को फिल्माया गया था। उनके ऊपर आज लगभग 47 गुनाह इससे पहले वाले दाखिल थे। एक पहले बहुत जिसने यहाँ पे दहशत बनाई थी पहले, तो उसको हमने अरेस्ट किया है। उसके फैमिली के ऊपर भी ऐसे ही 44, 47 ऐसे ही क्राइम रजिस्टर्ड है। एक अच्छा डिटेक्शन लोकल क्राइम ब्रांच ने किया है। उसको 2-1.5 साल से वो फरार था। विरार से प्रतीक ठाकुर, खबरदार।